लिखते हैं सात नंबर, कह रहा है कि शब्द रोज के अक्षरों से बनाने वाले चार अक्षर है ना, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले चार अक्षर वाले, यानी कि हमें इस रोज शब्द से चार अक्षर वाले जो अर्थहीन या है ना अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मतलब कि मीनिंगलेस या उससे मतलब नहीं है आपको कि मीनिंगलेस बन रहा है या मीनिंग वाला बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कैसा भी शब्द आप बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश डिक्शनरी से आपको उसका कुछ मीनिंग मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि अर्थपूर्ण या अर्थहीन कुछ भी हो सकता है, शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इन चार अक्षरों से आर ओ एस ई से चार अक्षर वाले कितने शब्द बन सकते हैं, है ना। कोई भी शब्द हो, अर्थहीन या अर्थपूर्ण कुछ भी हो सकता है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि अंक अक्षर जो होगा इसमें से रिपीट नहीं करना है। अच्छा, चार अक्षर वाले जब शब्द बनाना है तो चार अक्षर वाले शब्द बनाने के लिए चार स्थान होने चाहिए, है ना, ये चार स्थान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोज है, तो रोज से आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर ओ ई एस ऐसे करके, जैसे बहुत सारे अक्षर बनेंगे तो वही कितने अक्षर बनेंगे वो बनाने हैं। तो मान लीजिए पहले स्थान पर इन चारों में से कोई अक्षर रख दिए, यानी कि यहाँ पे रख सकते हैं चार तरीके से, यहाँ कह रहा है कि रिपीट नहीं करना, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बचे होंगे तीन अक्षर, जब एक यहाँ रख देंगे चारों में से कोई एक रख दिए तो बचेगा तीन अक्षर, तो यहाँ पे रखने का तरीका तीन। अब तीन में से जब एक यहाँ रख ही दिए तो यहाँ पे कितना बचेगा तरीका, दो तरीका, है ना। अब यहाँ पे कितना बचेगा, एक तरीका, एक तरीका। तो लिखेंगे पहले स्थान पर, पहले स्थान पर, स्थान पर अक्षरों का, अक्षरों को रखने का तरीका, रखने का तरीका बराबर में चार। दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, यह इकाई दहाई नहीं है, ये अक्षर ना बना रहे हैं, तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ऐसे लिखेंगे। दूसरे स्थान पर अक्षरों को रखने का तरीका, रखने का तरीका बराबर में तीन। एक एक घटते जा रहा है क्योंकि यहां देख रहे ना पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर अक्षरों को, अक्षरों को रखने का तरीका, रखने का तरीका बराबर में दो। और बच गया चौथा स्थान, है ना। चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर अक्षरों को, अक्षरों को रखने का तरीका, रखने का तरीका बराबर में एक। इसलिए कुल अभीष्ट तरीका, कुल अभीष्ट तरीका बराबर हो जाएगा चार गुना तीन गुना दो गुना एक, यानी चार दिया बारह, बारह दुना चौबीस, चौबीस से कम चौबीस आएगा, यानी कि कुल चौबीस तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर